हाय गाइस, वेलकम टू डेली स्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमसी फाइनकॉर्प के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है और चार्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे टारगेट्स क्या बन रहे हैं, सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें पीएमसी फाइनकॉर्प के, जब से कंपनी के बेहतरीन नतीजे आए क्वार्टर वन के, तब से हमें लगातार जो कंपनी के शेयर प्राइसेस में तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप देख सकते हो लगातार अपर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है 2% का फिलहाल। जैसे कि मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था, जो कंपनी है फिलहाल ESM स्टेज 2 के अंदर है, यानी 2% से ज़्यादा का अपर सर्किट नहीं लग सकता, 2% से ज़्यादा का लोअर सर्किट नहीं लग सकता। अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिनों में तकरीबन 7.5% की तेजी हमें पीएमसी फाइनकॉर्प में देखने को मिल चुकी है, जब से कंपनी के नतीजे आए हैं क्वार्टर वन के। आप देखोगे आज भी हमें 2% के करीब तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। वहीं अगर आप देखोगे तो आज 17 लाख शेयर पीएमसी फाइनकॉर्प के ट्रेड हुए हैं बीएससी पर। भाई अगर मैं बात करूं चार्ट की, तो आप देखोगे चार्ट पे एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा है पीएमसी फाइनकॉर्प के लिए, जिसे हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। यानी ये इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो अच्छी खासी तेजी हमें पीएमसी फाइनकॉर्प में देखने को मिल सकती है। तो आपको उसे रडार पर रखना है। जैसे कि मैंने, अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तो कल भी मैं आपको बता दूं 2% की तेजी पीएमसी फाइनकॉर्प के अंदर संभव है, क्योंकि जो इस बार के जो कंपनी के नतीजे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहे हैं क्वार्टर वन के। आप देखोगे जितने भी पिछले क्वार्टर आप कंपेयर करोगे, सबसे जो बढ़िया क्वार्टर रहा है वो क्वार्टर वन रहा है 2025 का। आप जितने भी आप पीछे जाओगे देखोगे 8.5 करोड़ की सेल्स हुई है। इससे पहले कभी कंपनी की 8.5 करोड़ की जो हाईएस्ट क्वार्टर रहा था वो पिछले वाला रहा था 5.8 करोड़ का। बाकी आप देखोगे कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आप देखोगे नेट प्रॉफिट 5.86 करोड़, इससे पहले आप देखोगे 46 लाख का प्रॉफिट, 1.16 करोड़ का प्रॉफिट, 1 करोड़ का लॉस, 76 लाख का प्रॉफिट, 9.23 करोड़ का लॉस, 1.67 करोड़ का प्रॉफिट, 1.84 करोड़, 2.72 करोड़ का प्रॉफिट, 2.94 करोड़ का प्रॉफिट। जो इस बार का क्वार्टर रहा वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहा, 5.86 करोड़ का प्रॉफिट। और EPS भी देखोगे 11 पैसे हो गया। बेसिकली पेनी स्टॉक है जिसके अंदर क्षमता है आगे चल के मल्टीबैगर रिटर्न्स देने की, अगर इसी तरीके के नतीजे आगे भी आते रहे तो। आपको इस स्टॉक को डेफिनेटली अपने रडार पर रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं थी। थैंक यू।